गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। अच्छा जी, आज मेरे पास बहुत जबरदस्त किस्म का ट्रिक ट्रिक समझ ले, टिप समझ ले, बहुत ज्यादा होम रेमेडी समझ ले और जुगाड़ समझ ले, कुछ भी समझ सकते हैं आप। अच्छा जी, बहुत जबरदस्त किस्म का है कि जो लोग कहते हैं ना कि हमें कोई ऐसा चीज बताएं कि फास्ट 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 रिजल्ट मिले, हैंड एंड फीट वाइटिंग फॉर्मूला बता दें, हैंड एंड फीट वाइटिंग क्रीम बता दें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में गाइस बहुत ज़्यादा हैंड एंड फीट फार्मूला, हैंड एंड फीट क्रीम्स बताई हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उसको यूज़ करने से। चाहे तो अगर आपको वाइटिंग क्रीम चाहिए तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फास्ट यू समझ लें कि एक छोटा सा फेशियल बताने जा रही हूँ। छोटा सा फेशियल जो है आपने हैंड एंड फीट के लिए करना है। मैनिक्योर पेडिक्योर समझ लें, फेशियल समझ लें, ट्रिक समझ लें, टिप समझ लें, कुछ भी समझ लें। और मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, टिप देने जा रही हूँ, ये किसी का ये टिप नहीं है, ये मेरा अपना जाती टिप है, ठीक है। जैसे कि हमें वर्क कर करके हमें एक्सपेरिमेंट हो जाता है, ये इसी तरह एक एक्सपेरिमेंट है जो मेरा अपना है, जो जिससे मैंने चीज़ें यूज़ कर करके मुझे खुद को ये एक्सपीरियंस हासिल हुआ है कि किस तरह से हम अपने हैंड एंड फीट को वाइट कर सकते हैं। और आप परेशान हैं कि किस तरह से अपने हैंड एंड फीट को वाइट नहीं किया, यार हमने क्रीम यूज़ नहीं की, पहले से की होती तो मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया होता, तो अब सैलून पे जाने का इतना टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने वाली है, ठीक है। मेरे साथ रहना है और वीडियो एंड तक लाजिम देखनी है। वीडियो एंड तक लाजिम देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आएगी कि किस तरह से आपने क्या करना है, ठीक है। और साथ साथ साथ, क्योंकि मेरा कोई भी वीडियो है, कोई भी मैं जो टॉपिक आपको बताने जा रही होती हूँ उसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा टिप भी दे रही होती हूँ, तो वो आपको एक्स्ट्रा जो टिप होते हैं ना वो आपको सारी वीडियो सुनने के बाद ही मिलेंगे कि किस तरह से आप जो है फायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास, सबसे पहले हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग न्यू हैं वो काइंडली ये जो रेड बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर प्रेस कर दीजिए और मैं हो जाऊंगी सब्सक्राइब और मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहेगी। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा, ठीक है। सो लेट्स गो। नंबर वन पर हमारे पास होना चाहिए ये है जी, डर्माकॉस का स्क्रब। ये बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं डर्माकॉस का, अगर आप पूरा फेशियल यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और मैं दूसरी बात ये कि डर्माकॉस का जो पूरा फेशियल किट आता है, गाइस गौर से सुन लें कि जो सैलून वालियाँ जो हैं उनके लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग न्यू न्यू सैलून जिन्होंने बनाया होता है, जिनको इतना आइडिया नहीं होता कि फेशियल कौन सा हमें लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो लो बजट के साथ जो है मैं रेकमेंड करूँगी कि डर्माकॉस जैसा फेशियल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक तो इसका सबसे जो स्टार्ट वर्क कर रही होती है ना गर्ल्स, कि उन्हें इतना आइडिया नहीं होता कि हम कौन सा फेशियल किस स्किन के ऊपर दें कि हमारे से कोई मिस्टेक ना हो जाए, किसी की स्किन डैमेज ना हो जाए हमारे से, तो वो डिफरेंट फेशियल यूज़ करने के बजाय आपको वो एक टाइम लगेगा आपको एक्सपेरिमेंट हासिल करते हुए। तो आपने क्या करना है, सिंपल डर्माकॉस का फेशियल रख लें। ये फेशियल ऐसा है कि अगर आप बेहतियाती से भी कर लें, अगर आपको कोई इतना नॉलेज नहीं है, अगर आपको स्किन का इतना नॉलेज नहीं है कि स्किन के ऊपर कौन सा फेशियल करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो आपका ये 5 प्रॉब्लम वन सोल्यूशन होगा ये डर्माकॉस का फेशियल, ठीक है। जाती जो एक्सपेरिमेंट है मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे कि डर्माकॉस का फेशियल गाइज ऐसा है कि जो लोग आपसे आके ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने मना किया हुआ है आपने फेशियल नहीं करवाना, जैसे ही आप फेशियल करवाओगे आपकी स्किन पे रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, उन लोगों को भी यकीन करें इस फेशियल के साथ आराम आया है, इतना ज़्यादा अच्छा फेशियल है। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका कौन सा स्टेप किस स्किन के ऊपर देना, ठीक है। ये जब आप रेगुलर इसको यूज़ करने लग जाएंगे ना, चाहे आप खुद पे करें चाहे घर पे रख लें, आपको ऐसा ऐसा करके आइडिया हो जाएगा कि इसका कौन सा स्टेप कितना परफेक्ट है, ठीक है। तो बात समझ आ गई होगी, बात को ख़त्म करते हैं, इधर ही जो हमारा टॉपिक है वो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये स्क्रब होना चाहिए, नंबर टू पे आपके पास होना चाहिए ग्लिसरीन, ठीक है, नंबर थर्ड पे आपके पास होना चाहिए लेमन, ठीक है। इसको हमने कट कर लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। सबसे पहले आपके पास अच्छा सा क्लिंजर होना चाहिए, आपने अपने हैंड एंड फीट को अच्छे से पहले क्लीन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा क्लिंजर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, पानी को गर्म करें थोड़ा सा, उसके अंदर आपने जो है ना चाहे तो कोई सा भी शैम्पू उसमें ऐड कर लें, थोड़ा सा शैम्पू ऐड करें और उसके बाद जो है ना नमक थोड़ा सा ऐड करें उसमें, गर्म पानी में अच्छे से
अपने हैंड्स को वॉश कर लें, पहले अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। देन आपने क्या करना है, सरसों का ऑयल जो गाइस, सरसों का ऑयल उसको आपने 100 फीट पे अच्छे से मसाज कर लेना है। मसाज करने का फ़ायदा ये होता है कि जो लेमन जब हम यूज़ करेंगे, जब हम अगर कोई स्किन पॉलिशर यूज़ करेंगे, तो जो लोग कहते हैं ना कि स्किन पॉलिशर जैसे यूज़ की तो हमें उसके साथ स्किन इचिंग होने लग गई थी, ये हुआ वो हुआ, तो स्किन इचिंग के लिए आप अगर और एडवांस यूज़ कर लेते हैं ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स, तो फिर आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको इचिंग वगैरह नहीं होगी। तो ये बात आपको आ गई होगी समझ। हम एक बाउल ले लेते हैं, बाउल आपके पास कोई सा भी हो चल जाएगा, नो इशू, रफ हो जैसा भी हो, लेकिन उसका आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा हमने स्क्रब ले लिया इसमें, और ग्रीन का तो अगर आपके पास मतलब स्पून है ना, आपने उसको हाफ कर लेना है। तो हम लोग जो है ना, हम लोग शॉर्टकट ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारी आदत हो चुकी होती है शॉर्टकट की, तो कुछ इस तरह से आपने इसमें ऐड कर लेना है ये, और ग्लैसरीन ऐड कर ली। अच्छा जी, ये लेमन हमारे पास कट हो चुका है, ये दो चीज़ें हमने कर ली हैं मिक्स, ठीक है। स्क्रब एंड ग्लैसरीन को हमने कर लिया मिक्स, ठीक है। अब आपने फॉर एग्जांपल अपने हाथों पे लगाना, याद रहे कि जब आपने सरसों के ऑयल से अपना मसाज कर लिया तो उसको आपने इस तरह ऑयली नहीं छोड़ना, आपने उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, अगेन आपने वॉश कर लेना है, चाहे आप अगेन किसी भी ऐसी चीज़ से वॉश करें कि आपकी स्किन पे ऑयल ना रहे। ऑयलिंग करना, मसाज करना इस वजह से किया जाता है कि जो हमारी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाए ऑयल, ठीक है। ऊपर वाली सतह पे ऑयल नहीं होना चाहिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर वाली सतह पे भी ऑयल होगा तो आपको रिजल्ट कम आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है मेन, ठीक है। तो क्या कर लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है अगेन, चाहे आप फेस वॉश कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। फिर उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। फॉर एग्जांपल आपने इतना सा हैंड्स पे लगा लिया, अब जो आपने स्क्रबिंग करनी है ये लेफ्ट इसके ऊपर करना है, ठीक है। अच्छे से मसाज करना है गाइस, आप यकीन करेंगे इसके साथ जो आपके हैंड्स बहुत डेड रफ स्किन होगी ना आपकी, वो भी अच्छी हो जाएगी, और ग्लैसरीन के तो वैसे ही बड़े फायदे हैं, ठीक है। तो आपके हैंड्स इतने प्यारे हो जाएंगे, ये आपने इस तरह से एक दिन भी अगर आप कर लें, मतलब आपके पास एक दिन रह गया, कल शादी है तो आप सुबह करें और फिर मतलब नाइट में करें, 2 टाइम्स आपने फॉर एग्जांपल कर लिया है तो आपको उतना रिजल्ट मिल जाएगा जितना आपने मैनिक्योर पेडिक्योर करवा के रिजल्ट हासिल किया होता है ना, इतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इस तरह करके आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स फॉर एग्जांपल आपने कर लिया, उसके बाद आप इसके ऊपर स्किन पॉलिशर फॉर मैसी का कर लेते हैं, ओ माय गॉड, जबरदस्त हो जाएंगे आपके हैंड एंड फीट, आपको कोई भी वाइटिंग क्रीम यूज करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग ये भी चाहते हैं ना कि हाँ जी हमारे हैंड एंड फीट ऑल टाइम एवरी टाइम वाइट ही दिखें, तो उसके लिए जो है आपको क्रीम ही यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ट्रिक होते हैं, ये इस तरह के टिप होते हैं, ये फेशियल की तरह होते हैं। जैसे हमने एक फेशियल करवाया, उसका 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन उसका रिजल्ट रहा, उसके बाद जैसे असर ख़त्म होता है, रिजल्ट ख़त्म हो जाता है, हमें फिर से फेशियल करवाना पड़ता है, इसी तरह ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रीम यूज़ करते हैं तो क्रीम का ये है कि रेगुलर क्रीम लगाते जाएं और रेगुलर रिजल्ट हासिल करते जाएं, जब आप उसको छोड़ देंगे तो जो उनसी मैंने क्रीम बताई है उसका तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, और आपके हैंड एंड फीट बहुत प्यारे हो जाएंगे। तो ये आप मज़ीद वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह से ना आपने इसका 12 से 15 मिनट तक आपने इस तरह मसाज करना है। मतलब ये कि ये जो लेमन है ना, इसका जितना भी जूस है ये आपने अपनी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्व कर लेना है इस तरह कर करके, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और मैं आपको फ़ौरन से बस वॉश करके दिखा दूँ। मैंने स्क्रबिंग कर ली है गाइस, अब मैं इसको करती हूँ वॉश, ठीक है। सो वेट एंड सी। हाय गाइस, तो ये मैंने वॉश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा, आपको शायद कैमरे में इतना नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ओ माय गॉड, इसका इतना रिजल्ट मुझे लगा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना रिजल्ट हमें एक स्किन पॉलिशर से मिलता है, जब हम स्किन पॉलिशर करते हैं तो हमें उतना रिजल्ट मिलता है, इतने प्यारे इसने सॉफ्ट ऐसे में स्किन सॉफ्ट कर दिया, ये वाला हाथ आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो बहुत ज्यादा फर्क है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी, वो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।